नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 6 नवंबर 2020 है। 6 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में तो कोरोना है ही, लेकिन आज हम आपको पहले मौसम के बारे में बताएंगे। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अचानक ठंड का असर बढ़ गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस के करीब हो गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार पारा गिरता जा रहा है। यह रात का पारा का हाल है। अब तो दिन के अधिकतम तापमान का भी तेवर कम होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अब दिन में भी ठंड का असर काफी होगा। ऐसा इसलिए कि पहाड़ी इलाके में बर्फबारी शुरू है। इस बीच ठंड की वृद्धि में पछिया हवा भी उत्प्रेरक का काम कर रही है। ऐसे में हम सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। खासकर बुजुर्गों और रक्तचाप तथा हृदय के रोगियों को ज्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो इन्हें ज्यादा प्रभावित करने का चांस होता है। बच्चों को भी ठंड से बचने की सलाह विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने दी है। ठंड के कारण पालतू पशुओं का भी दूध चटक जाने का चांस रहता है। ऐसे में पशुओं की देखभाल अच्छे तरीके से करने की सलाह दी गई है। इस साल दिसंबर में ही ठंड के कड़े तेवर के पूर्वानुमान की आशंका मौसम विभाग ने जताया है। 2 दिन पूर्व मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान में दिसंबर मध्य से जनवरी मध्य तक कड़ाके की सर्दी की बात कही गई है। ऐसे में हम भी अपने दर्शकों, पाठकों और शुभेच्छुओं से आग्रह करते हैं कि अपना और अपने परिवार का सदैव ख्याल रखें। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। देश में धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि वृद्धि हो रही है। देश में अब तक का कुल आंकड़ा 83,91,644 हो गया। इनमें से 77,44,574 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरे देश भर में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,24,674 हो गई। अभी मात्र 5,20,775 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,19,000 से अधिक हो गया, जबकि इनमें से 2,11,831 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,113 तक चली गई है। सूबे के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को 5,033 लोगों की कोरोना जांच की गई। इनमें 30 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब खबरें बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के चुनाव के मतदान का प्रचार का जोर शोर थम गया। मतदान 7 नवंबर को है। इस चरण में कुल 78 सीटों के लिए मतदान होना है। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक और सुप्रीमो ने अंतिम ताकत झोंक दी। अंतिम ताकत झोंकने वाले नेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव, रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा नेता चिराग पासवान खूब गरजे। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के नाम पत्र लिखा और NDA के पक्ष में वोट की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी सभा में अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार के अंतिम दिन यह बात मुंह से निकला कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, तो विपक्ष ने इसे तंज का जरिया बनाते हुए तेजस्वी ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी बात सत्य निकली। उन्होंने कहा, सचमुच नीतीश कुमार थक चुके हैं। जबकि चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से जदयू ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, कहने का भाव यही था, इसे दूसरे ढंग से लिया जा रहा है। बिहार की जनता जब तक चाहेगी तब तक नीतीश कुमार सेवा करते रहेंगे। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन भाजपा और राजद लोगों के सामने सिर्फ जुमला ही बांटते रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के लोग मेधावी और ज्ञानी भी हैं, कांग्रेस के युवराज यहां अज्ञानता न फैलाएं। जबकि कांग्रेस नेता ने महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। मुजफ्फरपुर के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 वर्षों में पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई है। बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता, बेरोजगारी चरम पर है, यह चुनाव नहीं रोजगार आंदोलन है। बिहार के पूर्णिया जिला का अधिकांश विधानसभा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ठंड रहने के बावजूद राजनीतिक गर्मी बढ़ी रही। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस नहले पर दहला के तर्ज पर प्रचार करते रहे। अब अन्य खबरें। बिहार के भागलपुर में एक व्यवसायी के नाबालिग पुत्र की हत्या कर दी गई और उनसे 25 लाख रुपए छीन लिए गए। घटना गुरुवार की दोपहर की है। मृतक का नाम
सुशांत सिंह बताया गया। वह खाद व्यवसायी अनुज देव सिंह का पुत्र था। रुपये लेकर वह बैंक जा रहा था। बताया गया कि मृतक एक बाइक पर सवार होकर दो लोगों के साथ बैंक जा रहा था। उसके पास 25 लाख नकद और 15 लाख का आरटीजीएस चेक भी था। घटना भवनाथपुर बगीचे के पास घटी है। अपराधियों ने ओवरटेक कर उसे रोका और रुपये छीन लिए। इसी में अपराधियों के साथ उसकी नोक झोंक भी हुई। अपराधियों ने सीने में गोली मार दी। भागलपुर जिले के करारी तिनटंगा दियारा में 100 के करीब सवारों से भरी नाव गंगा में चपचपाकर डूब गई। इस घटना में एक महिला समेत दो की मौत हो गई। अन्य लोग तैरकर भागने में सफल रहे। इस घटना से करारी तिनटंगा में कोहरा मच गया है। बिहार बोर्ड ने डमी एडमिट कार्ड में सुधार के लिए 12 नवंबर तक तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 5 नवंबर तक ही थी। त्रुटियों में सुधार के लिए संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक को जिम्मेदारी दी गई है। पटना के कुख्यात सतीश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कुख्यात के विरुद्ध हत्या के दो मामले हैं। उसकी क्राइम हिस्ट्री निकाली जा रही है। वह बालू के अवैध कारोबार में एकाधिकार रखता है और अपनी कानून चलाता था। बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। परीक्षा 2 फरवरी से होने वाली थी, अब यह परीक्षा 1 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा जनवरी 2021 में ले ली जाएगी। बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को अब शिक्षक बहाली में राहत मिल गई। प्राइमरी शिक्षक की बहाली में डीएलएड और बीएड को समान मानकर रोस्टर बनाने को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इससे 50,000 बीएड धारकों को फायदा होगा। पूर्णिया के ढगुरवा बाजार में 1 एकड़ 6 सिलेंडर में आग लग गई। आग ने कई दुकानों को भस्म कर दिया। इस मामले को लेकर अफरा तफरी मच गई। विद्युत स्पर्शाघात के कारण एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। मृतक सीआरपीएफ जवान जहानाबाद के कल्पा गांव का था। उसकी मौत ड्यूटी स्थल छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में हुई। मृतक का नाम श्री गोपाल बताया गया। औरंगाबाद के जीटी रोड के देव मोड़ के पास यात्रियों से भरी ऑटो पर प्याज लदा एक ट्रक पलट गया। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। किशनगंज में डुमरिया ओवर ब्रिज के पास NS-31 से बालू लदे ट्रक पर ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप पुलिस ने जब्त किया। कुल 3,584 लीटर शराब मिले हैं। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।